वेलकम बैक। तो भाई खुश हो, विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी बना ली, रिकॉर्ड कर लिया। तो भैया देखते हैं, वॉच विराट कोहली बाउ डाउन टू सचिन तेंदुलकर आफ्टर हिज 50th सेंचुरी। अच्छा, मेरे साथ तो हादसा हो गया था, आपको तो पता ही होगा कि मैं खास देखने आई कि भैया सेंचुरी देखनी है बनते हुए, और उस मौके पे मेरा जो था इंटरनेट बफरिंग। उसके बाद फिर पर मैंने देख लिया, क्योंकि उन्होंने फिर से उसको दिखाया तो वो मैंने देख लिया। पर मतलब उस टाइम जो देखने का था, और खास इतने टाइम से बैठी हूँ, देख रही हूँ पूरा मैच, और जो मेन जब हो तो ये हो, इसे कहते हैं किस्मत। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे अभी तक तुम यहां पर आए गए हो तो हीरो क्या बना देखे। ओहो, भारत ने सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी की है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और फिर ताबड़तोड़ शुरुआत की। उनके आउट होने के बाद मैदान पर विराट कोहली आया, और इस बड़े सेमीफाइनल मैच में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 50वां और अंतर्राष्ट्रीय करियर का 80वां शतक लगाया। 397 रन टीम इंडिया ने बनाए, 50 ओवर खत्म हो चुके हैं। भारत ने 397 रन बनाए, रन बहुत अच्छे बनाए, का टारगेट दिया है न्यूजीलैंड को इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए। इस शतक के साथ वो महान सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस मौके पर मैदान पर खुद सचिन तेंदुलकर के साथ साथ विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा भी मौजूद थी, जो विराट के इस उपलब्धि हासिल करने के बाद खुशी से झूम उठी। विराट के इस महान रिकॉर्ड पर दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने उन्हें बधाई दी है और उनकी तारीफ में कुछ शब्द भी कहे। विराट कोहली ने जैसे ही अपना 50वां शतक पूरा किया, उन्होंने पवेलियन में बैठे अपने आइडियल सचिन तेंदुलकर को झुककर सलाम किया, जिसका वीडियो उस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और यहाँ पर मतलब जिस तरीके से बेहतरीन बैटिंग शुभमन गिल वापस आए थे, 80 रन बनाकर वो नॉट आउट जा रहे हैं, उसके अलावा केएल राहुल। लेकिन बात आज होगी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की सेंचुरीज की। विराट कोहली अय्यर वाज आल्सो फैंटास्टिक, 117 रन बनाए 113 बॉल में, और श्रेयस अय्यर ने 70 बॉल में 105 रन। पर विराट कोहली ने अय्यर ने ज्यादा अच्छा किया वो सेंचुरी, ना सिर्फ इस सेमीफाइनल में, अभी तक बातें उठ रही थी कि विराट कोहली क्या सेमीफाइनल में बड़ा स्कोर नहीं बना पाते। इससे पहले की वही मैं जो बता रहा था कल जो बात हुई थी, आकाश भाई ने बिल्कुल सही कहा था कि जितनी गंदी स्टार्ट है वो आज कर लो, सारे कर दिए सचिन तेंदुलकर ने 49 लगाई हुई थी और विराट कोहली ने 50 सेंचुरियां लगा ली है भाई। अनबिलीवेबल, कमाल हो गया, लाजवाब यार, मजा आ गया देख के। और ये होते हैं भाई साहब किंग और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। आप दिल देखें उनका कि विराट कोहली के लिए तालियां बजा रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं विराट कोहली को। तुम्हारे पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता है, रुकते हैं बाकी लोग। 200 सेंचुरी भी अगर लगा लूँ ना, मैं सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने उनको देख के क्रिकेट जो है खेलना शुरू किया था। और आज आप देखें कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को क्रॉस कर गए हैं भाई, और एक सेंचुरी उनसे ज्यादा, जो आप 50वीं सेंचुरी बना ली, और 80 सेंचुरियां विराट कोहली की इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गई हैं। कमाल यार, मजा आ गया, आ गया। इस वजह से विराट कोहली किंग जो बोला जाता है, इस वजह से किंग बोला जाता है। बड़े मैच का प्लेयर ये होता है, बड़े मैच में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड जैसी टीम जिससे कभी नहीं जीते हुए थे, आज विराट कोहली ने आके बोला कि भाई मुझे किंग कहते हैं तो मैं किंग वाला काम तुम्हें करके दिखाऊंगा। और आज किंग वाली परफॉर्मेंस विराट कोहली ने दे दी है, और अनबिलीवेबल। आज विराट कोहली एक सिंगल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। नहीं कुछ भी नहीं रह गया यार। क्या रह गया यार, 400 होने वाले थे एक ही मैच में। खुद सोचो, शुभमन अगर खेल जाता वो भी 100 कर जाता, अय्यर भी कर गया, विराट भी कर गया, और थोड़ा सबर कर जाता मेरा दोस्त रोहित, वो भी 100 कर जाता। लेकिन यार हैट्स ऑफ टू योर टीम यार, और बहुत ही तगड़ा खेले भाई। कोई चांस ही नहीं है यार, तू चांस दे ही नहीं रहे, और जो थ्रेट थी
थोड़ी बहुत जो थ्रेट थी सेंटनर की, रविंद्र की, बोल्ट की, वो भाई साहब रोहित भाई साहब आए, उन्होंने वो थ्रेट खत्म की, उन्होंने कहा भागो यहाँ से, कोई मसला नहीं, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने, विराट कोहली ने कैपिटलाइज किया, उन्होंने एंजॉय किया, अपना बेहतरीन बारी खेली। जहां पे आपको 400 पहुंचना था वहां पे अय्यर साहब खड़े हुए, वो कहते हैं जी हम आपको 400 तक पहुंचा के जाते हैं। शुभमन गिल अमेजिंग, बट यार हैविंग योर आइडल स्टैंडिंग इन द स्टैंड, जिसको देखिए आपने क्रिकेट शुरू की, उसके सामने उसका रिकॉर्ड तोड़ा और फिर उसको रिस्पेक्ट दी और ये बताया भाई आप मुझसे ग्रेट हो लेकिन मैंने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये थी वो जिसे क्या कहते हैं यार, कल्पना थी जो उसने की, और यार उसको अल्लाह ने इज्जत दी। वर्ल्ड कप एक तरफ विराट कोहली, दूसरी तरफ 50-100 एक तरफ, वर्ल्ड कप एक तरफ। यार मैं जब भी देखता हूँ इस बंदे को, कुछ भी हो रहा हो शो ये अपना बना लेता है जी। भाई ये इसको मुबारक हो और बहुत बड़ी हर गेम में लाइमलाइट ले जाता है विराट है, और सचिन तेंदुलकर ना कुछ कर गए भाई, ये अब खाला जी का घर नहीं खेलता अच्छे। इसके अलावा इस मैच में विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। विराट ने इस मामले में भी सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने वर्ल्ड कप 2003 में सबसे ज्यादा 673 रन बनाए थे। विराट अब उस रिकॉर्ड से भी आगे निकल चुके हैं। विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में अब तक 711 रन बनाए हैं। विराट ने 34वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक रन लेकर सचिन तेंदुलकर के 20 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। विराट ने 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर फाइन लेग पर 2 रन लेकर अपना शतक पूरा किया। इसी के साथ वो वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा शतकों के मामले में सचिन तेंदुलकर से आगे निकल चुके हैं। विराट का ये वनडे में 50वां शतक है, सचिन के वनडे में 49 शतक है। इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने रिकॉर्ड 8वीं बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया है, साथ ही पहली बार सेमीफाइनल में भी अर्धशतक लगाया है। आपको बता दें कि विराट कोहली 44वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हो गए, उन्हें टीम सऊदी ने आउट किया। सऊदी की छोटी गेंद पर कोहली ने पुल किया लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर ड्वेन कॉनवे ने उनका कैच लपक लिया। इसके अलावा विराट कोहली वनडे वर्ल्ड कप में 4 सेमीफाइनल खेलने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में पहला सेमीफाइनल 2011 में खेला था, टीम इंडिया ने ये वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद 2015 में विराट ने ऑस्ट्रेलिया में हुए वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेला था। 2019 में इंग्लैंड में खेले गए वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का सफर तय किया था और अब 2023 में एक बार फिर से विराट कोहली को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने का गौरव हासिल हुआ है। अरे वाह देखो ये मारा था और यहाँ रन लिया, 2-2 लेने थे, 2 ले लिए और ये हो गई सेंचुरी बन गई। अरे वाह वहां पे बैठा था क्या अच्छा सचिन, वहां उस साइड होगा ना। यार इवन मैं भी तो इतनी एक्साइटेड थी कि सेंचुरी देखनी है, और सबसे ज्यादा था लोग पहले से रेडी होके बैठे हुए थे कि अब इसने करना है, पहले से मतलब 2-3 बार ऐसे हुआ कि अब शायद होगा, और उसने कोशिश भी की थी, विराट ने कोशिश भी की थी कि मैं चौका या मेरे ख्याल से छक्के मारने की कोशिश की थी पर हुआ नहीं। तो तब वो भी बड़ा देखना, मैंने जो लाइव दिखी है वीडियो इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में होगा, तो तब वो उसको भी हुआ था कि हाय नहीं हो पाया मेरा, तब वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। पर मैंने उसे कहा था यार शांति शांति शांति, अभी फिर से टर्न आएगी तब कर लेना। उसके बाद 2 रन के बाद वो मेरा तो गुल हो गया, मेरे को लगा था चौका लगेगा पर 2 रन बनाए और 2 रन में अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है, तो अमेजिंग था यार, मजा ही आ गया देखकर, कमाल है। नहीं काफी अच्छा है, वेरी नाइस, ह्यूमिलिटी दिखाई है, बड़े प्यार से किया था, एंड इट्स गुड कि रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, बनते रहने चाहिए, और बस अभी कोशिश करनी है कि हम वर्ल्ड कप ले आए। बिल्कुल वो सब फोकस हमारा वर्ल्ड कप पे है। बिल्कुल, तो भैया बताओ आपको मजा आया नहीं आया, क्या किया आपने जब सेंचुरी बनी थी, झूमे कूदे क्या क्या किया उस टाइम उस इंस्टेंट। यही कह रहे थे ना कि या तो वो सेमीफाइनल में बना लेगा या वो फाइनल में बनाएगा, तो अच्छा सेमीफाइनल में ही बना के अपना रिकॉर्ड बना लिया। अच्छी बात थी ह्यूमिलिटी दिखाना, एग्जैक्टली सबको दिखाना कि भैया खासकर जिसका रिकॉर्ड आपने ब्रेक किया है वो आपके पास उस टाइम उस मैच में खास आए, तो उनके साथ वो थैंक यू उनको करना या उनको रिस्पेक्ट देना, दैट वॉज वेरी गुड। और यंगर जनरेशन जो भी आएगी फिर रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगी, तो वो तो कोई ना कोई नया आएगा तुम्हारा रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, जैसे नए लोग नई जनरेशन आएगी दे विल मेक एग्जैक्टली। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।